बीजेपी की, वो भी सियासत की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की और राहुल गांधी से उनकी तुलना में उन्हें बेहतर करार दिया। लेकिन चुनावी समर में अखिलेश को साक्षी ज्ञान के सामने जो क्या बयान जो उनकी ओर से दिया गया है उसके क्या कुछ मायने हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सीटें 80 हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा था 80 का सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन हाँ, मैं अखिलेश को, माननीय मुलायम सिंह चले गए उनको, उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारा आवास और उनका घर लगभग मिला जुला है। अखिलेश पर साक्षी ज्ञान, अखिलेश जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति काहे को इंडिया का अंग बन रहा है, क्या इंडिया के चक्कर में पड़ा हुआ है। अखिलेश को बताया राहुल गांधी से हजार गुना बेहतर। राहुल से तो हजार गुना अच्छा अखिलेश है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े जिसमें अखिलेश की छवि को चार चांद लग गए। उन्नाव में साक्षी महाराज ने जब बोलना शुरू किया तो मानो सोच कर आए हो कि आज अखिलेश को सातवें आसमान पर पहुंचा देना है। राहुल से तो हजार गुना अच्छा अखिलेश है, तो जब ने एनडीए के अंग बने तो मैंने सोचा क्या हो गया, इनको नशा कर लिया क्या। अखिलेश जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति काहे को इंडिया का अंग बन रहा है, क्या इंडिया के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो अगर उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम सीटों पर लड़ेंगे, ये उनकी पार्टी का निर्णय है, हम उनको कोई ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन वो हमारा सम्मान करते हैं, अगर समझदारी से आदमी काम करता है तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि हम किसी इंडिया गठबंधन के अंग नहीं है, सारी सीटों पर लड़ेंगे, तो ये उनका स्वतंत्र निर्णय है, स्वागत योग्य है। तभी तो अखिलेश यादव को राहुल गांधी की तुलना में हजार गुना बेहतर नेता बताते हुए सांसद ने ये तक कह दिया कि उनके जैसा पढ़ा लिखा हुआ नेता आखिर क्यों विपक्षी संगठन इंडिया का अंग बन गया। इसे लेकर उन्होंने हैरानगी भी जाहिर की। लेकिन आखिर अचानक साक्षी का अखिलेश प्रेम क्यों जाग उठा, उस पर बात करें। उससे पहले अखिलेश को लेकर साक्षी ने और क्या क्या कहा, सुनिए। तो जब ने एनडीए के अंग बने तो मैंने सोचा क्या हो गया, इनको नशा कर लिया क्या। अपने विवादित बयानों और कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले साक्षी महाराज ने अखिलेश की तारीफ के साथ कटाक्ष भी कर डाला। राहुल गांधी से हजार गुना बेहतर बताते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के वक्त क्या उन्होंने नशा किया था। फिर आखिर में साक्षी असल मुद्दे पर आए और इशारों इशारों में अखिलेश को ये नसीहत दे डाली कि अखिलेश यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, लेकिन वो हमारा सम्मान करते हैं, अगर समझदारी से आदमी काम करता है तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि हम किसी इंडिया गठबंधन के अंग नहीं, सारी सीटों पर लड़ेंगे, तो ये उनका स्वतंत्र निर्णय है, स्वागत योग्य है। लेकिन आखिर उनके इस बयान के मायने क्या हैं और क्यों उन्होंने अखिलेश को सभी 80 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतरने की नसीहत दी, बताएंगे अगली रिपोर्ट में। देखते रहिए न्यूज स्टेट। अखिलेश पर साक्षी ज्ञान ऐसे वक्त में आया है जब समाजवादी मुखिया स्टेट लेवल पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। अखिलेश का साफ तौर पर कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अकेले ही लड़ेंगे और इसके मायने ये कि विपक्षी दलों को उनके इस कदम से झटका तो बीजेपी नफे के जरिए इस कदम को देख रही है। अखिलेश जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति काहे को इंडिया का अंग बन रहा है, क्या इंडिया के चक्कर में पड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का अखिलेश प्रेम ऐसे वक्त में जागा है जब अखिलेश आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर पशुपेश की स्थिति में है। तो अगर समझदारी से आदमी काम करता है तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि हम किसी इंडिया गठबंधन के अंग नहीं, सारी सीटों पर लड़ेंगे, तो ये उनका स्वतंत्र निर्णय है। कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे।
बीते दिनों 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करने वाले अखिलेश शनिवार को गोरखपुर पहुंचे तो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर सहयोगी दलों को एक तरीके से नकार दिया। ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो लोग जो प्रदेश के कांडी के लोग आए थे उन्होंने कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें, और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को। गोरखपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है, इसीलिए वो सूबे की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सहयोगी दलों का साथ भी जरूरी है। सपा के 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर अखिलेश ने कहा कि ये गिनती इसलिए भी थी क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों का सुझाव है कि एसपी को सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी ही एनडीए को हराएगा क्योंकि एनडीए के लोगों ने पीडीए के लोगों को धोखा दिया है। क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को, पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा उनके साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए ऐसे वक्त में जरूरत है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहे और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। टीम न्यूज स्टेट। लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की के